कहिंदा सी मेरे को हरा पेन ते पिंडा सरकार जाऊगी किते पिंड च देखिया भगवंत मान की कहिंदा सी कि मैं सजी साडी सरकार आम आदमियां च लिया करूगी कोई सिक्योरिटी नहीं रखूगी। भगवंत मान ना तो मैं लगता 1000-1500 उस समय कल्या नहीं 300-400 पुलिस वाला इन्हें केजरीवाल नूं दित्ता जिहड़ा दिल्ली दे मुख्यमंत्री दी पंजाब दी पुलिस तनखाह पंजाब पुलिस दे रही है ते ओही रक्षा कर रहे हैं केजरीवाल दी। और राघव जड्डे दा विआह सी 300 पुलिस वाले पंजाब चों गए जोधपुर उदयपुर उहदे विआह वास्ते सिक्योरिटी करन वास्ते ऐं वरत रहे है पंजाब सरकार दा खजाना जिवें इन्हां दा अपना 750 करोड़ रुपया इन्होंने अपने झूठे शकल दिखाने माड़ी देख भी नहीं चाहते लोग शकल देखना चाहते कि नहीं शकल तो अपने शकल से 750 करोड़ रुपया ला रहे हैं। जे 750 साल अपना आ ना दिखाए ते घट घट 20,000 रुपया मुआवजा एक किले का मिल जूगा जो किसान हड़ा ना नुकसान होया पर एक रुपया नहीं दिता उन्हें। 750 करोड़ का मतलब है 5 साल च 4,500 करोड़ रुपया अपने इश्तहारा से इतने नहीं लग रहा। तमिलनाडु के अखबार देख लो भगवंत मान की फोटो, नागालैंड चले जाओ भगवंत मान की फोटो, मणिपुर चले जाओ भगवंत मान की फोटो। घट को शकल तो ठीक कर ला अपनी ते फिर जहाज ले लिया हूं क्योंकि केजरीवाल चाहता है कि मैं पूरे देश जावा आम आदमी का प्रचार करने वास्ते मैनू वड्डा जहाज चाहिए कि अपने जेडे इंडिगो है एयर इंडिया है इधर तो नहीं चढ़ सकते। जहाज किराए से टेंडर किया साल महीना पहले की टेंडर च लिखा कि 1500 घंटे 6 महीनों वास्ते सानू वड्डा जेट चाहिए। वड्डा जेट कि जेट जिहड़ा चंडीगढ़ तो सीधा लंडन जा सके वो जेट लिता जिहदी किराया खर्चा वह 5 लाख रुपया घंटा है प्लस वो पार्किंग चार्ज दूजिया चीज़ा करते करते 7-8 लाख रुपया घंटा पै जाना है। 6 महीनों वास्ते मतलब 125 करोड़ रुपया उन्हें जहाज वास्ते केजरीवाल नूं लैन ऑन लैन वास्ते जिवें अज लैके गया ना केजरीवाल नूं। केजरीवाल टैलीफोन कर दिंदा कि अज मैं वेस्ट बंगाल मायावती नूं अपने बीबी नूं मिल जाना मुख्यमंत्री नूं अपने ड्राइवर भगवंत मान नूं और जहाज गड्डी लै गया तो जहाज से आ जाता जहाज बिठा के उन्हें उत्थे ले आउंदा उत्थों वापस ले आउंदा। ते तुसीं हैरानी दी गल है टेंडर किहदा कीता 1500 घंटे 6 महीने का मतलब है 250 घंटे रोज दे अपने सारे महीने दे 250 घंटे महीने का मतलब है 8 घंटे रोज दे भगवंत मान जहाज से बैठा करूंगा। यदा मतलब सवेरे उठ के जहाज पर चढ़ लिया करूंगा रात को उतर लिया करूंगा थले एडा ऐजा लुट इन्नी लुट। अज सरकार नाम की कोई चीज़ है जी तुसी एंड दस्यो सारे बैठे हो असली मुख्यमंत्री कौन है ना लो असली मुख्यमंत्री कौन है नकली मुख्यमंत्री कौन है नकली मुख्यमंत्री कौन है ते तीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है माता जी भैन जी हुण आ चला रहे है इन्हां पंजां ने अपनियां दुकानां अलग खोलियां है। जे तुसीं डिस्काउंट ते काम करवाउणा तां थल्लड़े डिप्टियां कोल चले जाओ उहदे उत्ते कोई काम रेट खर्चा करना ते मिडल नकली कोल चले जाओ जिहड़ा वड्डा दा उह तां खुल्ले गफ्फे लैंदा है। आ तां हालात है ऐसे भगवंत मान साहब थोड़ी कुर्सी आ है भज क्यों गए हैं आ मुद्दियां ते असीं जवाब चाहुंदे सी पंजाब दे गरीब किसान ते मजदूर ते गरीब मकान वाले
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆਖ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਓਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਚਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੋ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।